नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं बात करूंगी 12 ऐसे प्लांट्स के बारे में जिनकी पत्तियां बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं। दोस्तों, प्लांट्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा पौधे जो सालों साल भी चलें, जिनको हम इंडोर लगा सकें और जिनकी पत्तियां बहुत ज़्यादा सुंदर कलरफुल हों, तो आज हम ऐसे ही प्लांट के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स तो और भी हैं, लेकिन आज मैंने 12 प्लांट्स की लिस्ट बनाई है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें प्लांट मैंने लिया है वो है रेड एग्लोनिमा। ये पौधा बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लांट है, इसको आप इंडोर लगा सकते हैं। इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा कलरफुल होती हैं और बहुत ही बढ़िया ये प्लांट आराम से सालों साल चलता रहेगा अगर आप इसकी अच्छे से केयर करें तो। बहुत ही सुंदर प्लांट है रेड एग्लोनिमा, ये प्लांट आप इंडोर जरूर लगाइए। नेक्स्ट प्लांट है पोनी टेल प्लांट। ये प्लांट इंडोर बहुत ही सुंदर लगता है, इंडोर आउटडोर दोनों जगह इस प्लांट को लगा सकते हैं। और इस प्लांट को हम बुशी बनाने के लिए अगर इसको कट करते हैं तो इसमें से फिर और ज़्यादा इसकी इस तरह से ये ब्रांच निकलती हैं ग्रीन ग्रीन, जो बिल्कुल पोनी टेल की जैसे लगती हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है अम्ब्रेला प्लांट। इस प्लांट को अम्ब्रेला प्लांट इसीलिए कहते हैं कि इसकी पत्तियां बिल्कुल छाते के जैसी होती हैं, जैसे छाता गोल होता है और कई सारी पंखुड़ियों को मिलकर बना होता है गोल गोल, बिल्कुल उसी तरह से इसकी पत्तियां होती हैं। और ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, इसकी पत्तियाँ बहुत ही सुंदर होती हैं। और इस प्लांट को हम मोसिस्टिक वगैरह पर भी चढ़ा सकते हैं आराम से, बेल की तरह ये प्लांट होता है, तो ये प्लांट लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट प्लांट है मोंस्टेरिया डेलिकोशिया। ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा सुंदर इंडोर प्लांट है। शुरुआत में तो इसकी पत्तियाँ पान के आकार की होती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है अपने आप इसकी पत्तियों में छेद होने लगते हैं और इसकी पत्तियाँ एक अलग ही आकार ले लेती हैं, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अलग, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। इस प्लांट को भी हम किसी भी मोसिस्टिक वगैरह पर चढ़ा सकते हैं और कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट है एलिफेंट ईयर प्लांट। इस प्लांट के कई नाम हैं और ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। एलोकेसिया प्लांट भी इसको बोलते हैं और अफ्रीकन मास्क भी इसको बोलते हैं। ये प्लांट आउटडोर इंडोर दोनों जगह चल जाता है। बहुत ही सुंदर, एकदम अलग डार्क ग्रीन कलर की इसकी पत्तियाँ होती हैं, एकदम अलग लगता है ये प्लांट। बहुत ही सुंदर इंडोर आउटडोर प्लांट है। बस इतना ध्यान रखें अगर आप इसको आउटडोर लगा रहे हैं तो थोड़ा सेमी शेड वाली जगह पर इसको लगाएं। नेक्स्ट प्लांट है क्रोटन। आप सभी जानते हैं इसके बारे में, ज़्यादातर सभी इसको लगा के रखते हैं और इसकी बहुत सारी वैरायटियां आती हैं। सारी वैरायटियां एक से बढ़कर एक होती हैं, इसके कलर्स बिल्कुल देखने लायक होते हैं। ये प्लांट इसीलिए लगाया जाता है कि इसकी पत्तियाँ इतनी सुंदर होती हैं, इतनी कलरफुल होती हैं और इंडोर बहुत अच्छे से चलता रहता है। अगर 2 से 3 घंटे सनलाइट मिले तो और भी अच्छे कलर आते हैं और अच्छी लाइट वाली जगह पर हमें इस प्लांट को लगाना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया और कलरफुल प्लांट है ये क्रोटन। नेक्स्ट प्लांट है पेयर प्लांट। ये प्लांट बहुत ही अलग सा प्लांट है, इसकी भी कई वैरायटियाँ आती हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही कलरफुल इसकी पत्तियाँ होती हैं। मेरी कई वीडियो हैं इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। ये प्लांट ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट है, इसकी पत्तियों में बहुत सारे रंग होते हैं, इतना सुंदर लगता है। और कटिंग से बहुत ही आसानी से आप इसके एक से ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं, ईजी टू ग्रो है कटिंग से ये प्लांट। नेक्स्ट प्लांट है टी प्लांट। ये प्लांट भी बिल्कुल एग्लोनिमा के जैसा है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। इसकी पत्तियाँ भी बिल्कुल कलरफुल होती हैं, लाइट पिंक कलर और ग्रीन कलर से मिलकर बनी होती है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये प्लांट, तो ये प्लांट आप लगा सकते हैं कलरफुल पत्तियों वाला। नेक्स्ट प्लांट है कोलियस। इसके बारे में भी सभी ज़्यादातर जानते हैं। इसकी पत्तियाँ इस प्लांट की इतनी सुंदर होती हैं और ये भी बहुत सारी वैरायटियों में मिल जाएगा, बहुत सारी वैरायटियाँ इसकी। और अगर कई सारी वैरायटी, कई कलर्स अगर हम एक साथ एक गमले में लगाएं तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, वो गमला एकदम अलग ही लगेगा। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलरफुल प्लांट है, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है और इसको भी 1-2 घंटे सनलाइट चाहिए प्लांट को। नेक्स्ट प्लांट है फिटूनिया। फिटूनिया प्लांट बहुत ही, कई वैरायटी आती हैं इसकी भी।
कम से कम 7-8 वेराइटियाँ आपको इसकी मिल जाएंगी। बहुत ही छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं और बहुत ही सुंदर ये प्लांट लगता है। सुंदर इंडोर प्लांट है, कलरफुल पत्तियों वाला। इसकी कई वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया। इस प्लांट की पत्तियाँ भी बहुत सुंदर होती हैं और ये प्लांट भी बहुत ही बढ़िया इंडोर प्लांट है और बिल्कुल इजी आराम से चलता रहता है ये प्लांट। इसमें बहुत ज़्यादा इस केयर की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही बढ़िया प्लांट है ये। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों कैलेथिया। कैलेथिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर पत्तियों वाला प्लांट है। इसकी भी बहुत सारी वैरायटियाँ, बहुत सारे अलग अलग तरह के पत्तियों के रंग आपको मिल जाएंगे। ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा सुंदर इंडोर प्लांट है। इतने सारे रंग, इतने सारे वैरायटियाँ आपको इसकी मिलेंगी कि आप सोचेंगे सारे ही ले लें। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है ये। तो ये मैंने 12 प्लांट आपको जो बताए हैं, ये चुनिंदा ऐसे प्लांट हैं जो हमारे घर को एकदम कलरफुल कर देंगे अगर हम इनको लगा लें तो। प्लांट्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, हैंगिंग प्लांट्स भी हैं पत्तियों वाले, जैसे कि विंडरिंग जू है, स्पाइडर प्लांट है और बहुत सारे स्ट्रिंग ऑफ पल्स है। ये सब पत्तियाँ इनकी भी अच्छी होती हैं, लेकिन ये ऐसे प्लांट जो मैंने आपको बताए हैं जिनको आप गमले में लगा सकते हैं और जो अच्छे से सालों साल चलते भी रहेंगे अगर आप ध्यान रखें तो। और इनकी पत्तियों के कलर इतने सुंदर होते हैं, पत्तियों के कलर, पत्तियों के डिज़ाइन इतने अच्छे होते हैं कि जो बिल्कुल आर्टिफिशियल प्लांट लगते हैं। तो ऐसे प्लांट हमें ज़रूर अपने घर में लगा के रखने चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।